हाय, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अर्पित कुमार शर्मा फिर आपकी केमिस्ट्री की क्लास के साथ उपस्थित हूँ। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आपकी क्लासेस नहीं ले पाए थे और आज फिर हम कम में वापस आपके सामने आ चुके हैं। तो केमिस्ट्री की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हम कंप्लीट कर चुके थे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बुक, आपके किताब के पीछे के प्रश्न हमें सॉल्व कराने थे। तो आज हम तीसरे चैप्टर वैद्युत रसायन के जो न्यूमेरिकल्स है बुक के वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन किताब के पीछे के हमें देखने थे। तो सबसे पहले अति लघुलात्मक का प्रश्न नंबर 3। अति लघुलात्मक, प्रश्न संख्या 1। तो क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं तो क्या हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना, और उसका कारण भी हमें साथ में देना है। रख सकते हैं तो क्यों रख सकते हैं, और नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, इसका रीजन हमें बताना है। तो हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी की हमने आपको ट्रिक बताई थी कि लेके बारात खाना मजे से आएगा, मंजन करके फेंक दे, निगाहें सुंदरी की प्यार भरी है, फिर क्यों आई फ्लोरिन क्लोरिन अपनी ड्रॉमर के साथ। ये हमारी ट्रिक थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी की, जिसमें फ्लोरिन सबसे अधिक अपचायक था और फ्लोरिन सबसे अधिक ऑक्सीकारक था और लिथियम हमारा सबसे अधिक अपचायक था। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे आ रहा था फ्लोरिन और सबसे ऊपर आ रहा था लिथियम, और जिसके इलेक्ट्रॉन व्योम मानक अपचयन व्योम का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता था वो तो अपचायक होता था, उतना ही अधिक क्रियाशील होता था। ऊपर आने वाले धातु अधातु जो भी है वो तो होती है अधिक क्रियाशील, और उससे नीचे आने वाली धातु अधातु जो भी है वो क्या होती है, कम क्रियाशील। तो हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एक जिंक का स्थान देखे, एक कॉपर का स्थान देखे, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक आता है ऊपर, इसके मानक इलेक्ट्रोड व्योम का मान ऋणात्मक होता है, जबकि कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड व्योम का मान धनात्मक होता है, अर्थात कॉपर कम क्रियाशील है बजाय किसके, जिंक के। बताओ जब जिंक अधिक क्रियाशील होगा बजाय किसके, कॉपर के, तो जिंक जिंक है जेडन है वो कॉपर सल्फेट से Cu+2 आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट का विलयन बना लेगा। अर्थात यदि हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख देंगे तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर अर्थात Cu+2 आयनों को प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे जिंक के पात्र में क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, जिससे पूरा विलयन क्या हो जाएगा, बाहर निष्कासित हो जाएगा, और बनने वाला विलयन कॉपर सल्फेट के स्थान पर किसका बन जाएगा, जिंक सल्फेट का। तो इसका हम रीजन लिखेंगे कि हम आंसर है इसका, हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि
Zn Cu से अधिक मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से Cu प्लस टू आयनों का प्रतिस्थापन कर ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन बना देता है, जिसके कारण जिंक के पात्र में अनेक छिद्र हो जाते हैं, और इसके रिएक्शन के माध्यम से समझाए तो जब Zn रिएक्शन CuSO4 से करवाई जाए तो ZnS जो किसका प्रतिस्थापन कर देगा Cu का, तो यह बन जाएगा ZnSO4 प्लस के C। ये रिएक्शन साथ में आप नोट कर सकते हो। इसे नोट कर लिया तो अति लघुराकोट का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड योग तालिका का निरीक्षण करते हुए तीन ऐसे पदार्थों का नाम लिखिए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों का प्रतिस्थापन कर सके। तो फेरस आयनों का प्रतिस्थापन कौन कर सकता है, इसे भी हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से उनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर देख लेंगे, और क्रियाशीलता के ऑर्डर के आधार पर हम धातु अधातु का प्रतिस्थापन को देख चुके थे, कौन सी धातु किसका अधातु किसका प्रतिस्थापन कर सकती है। तो इसके नीचे आने वाले अधातु जलीय ब्रोमीन, जलीय क्लोरीन, इसके अलावा जलीय सिल्वर Ag+ आयन है जो किसका प्रतिस्थापन कर सकता है, फेरस आयनों का। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, उसे नोट कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, तालिका का सर्वेक्षण करते हुए तीन ऐसे पदार्थों का नाम लिखिए या पदार्थों का नाम बताइए जो फेरस आयन का अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियों में ऑक्सीकृत कर सके, और हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर देखा था कि ऊपर जाने पर जो क्रियाशीलता बढ़ती है अर्थात अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब हम तालिका में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो हमने देखा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता जाएगा उसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, अर्थात आयरन से नीचे
नीचे आने वाले जितने भी धातु है जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान फेरस के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.77 वोल्ट होता है, अर्थात 0.77 वोल्ट से जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा वो धातु किसको ऑक्सीकृत कर सकती है, फेरस को कर सकती है। तो फेरस से नीचे आने वाली कोई भी धातु आप यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से लिख सकते हो जो फेरस आयनों का क्या कर सके, ऑक्सीकृत कर सके। हम इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि फेरस आयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.77 वोल्ट होता है। अतः इससे अधिक इलेक्ट्रॉन विभव वाली धातु फेरस आयन का ऑक्सीकरण कर सकती है। कर सकती है जो कि निम्न है, तो कौन कौन सी धातु है जो फेरस आयनों को ऑक्सीकरण कर सकती है? तो लेके बरात खाना मजे से आयला मंजन करके फेंक दे निगाहें सुंदरी की प्यार भरी है मंजन करके फेंक आयरन एफ यू आया है। और अब आयरन से नीचे आने वाली धातु सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान आयरन से अधिक होंगे तो उससे नीचे आने वाली धातु अधातु में लिख सकता हूं। पहले जलीय क्लोरीन, देखो आयरन से नीचे आ रही है नहीं आ रही है अपने विद्युत रासायनिक श्रेणी। दूसरा लिख सकते हैं जलीय ब्रोमीन, देखो ये भी कहां है आयरन भी नीचे आ रहा है। इसके अलावा तीसरा लिख सकते हैं जलीय सिल्वर आयन प्लस आयन, देखो ये भी कहां आ रहा है आयरन से नीचे आ रहा है। इससे नीचे आने वाली जितने भी तत्व आयन धातु अधातु है इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान फेरस के मानक इलेक्ट्रोड विभव से अधिक होता है तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं आयरन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, नोट करोगे इसे। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विलयन की चालकता तनुता के साथ या तनुता के बढ़ाने पर क्यों बढ़ती है? देखो चालकता का मतलब होता है विशिष्ट चालकत्व जो चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना चालकत्व तो तनुता के साथ बढ़ता है जबकि विशिष्ट चालकत्व तनुता के साथ क्या होता है घटता है। ये भी हम पढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आयनों की संख्या में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, इसलिए तनुता के बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व के मान में क्या आती है कमी आती है। यही हमारा क्वेश्चन था तीसरा। तो इसे क्वेश्चन लिखोगे आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3। आयनों की संख्या में
की संख्या में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है जिसके कारण विशिष्ट ताकत या मैं कह सकता हूं चालकता के मान में कमी हो जाती है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। इसके बाद हमारा इसमें अनिल उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 4 है कि उन धातुओं के नाम लिखिए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। तो वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण कौन कौन सी धातुओं का होता है? जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं जिनके मानक इलेक्ट्रॉन व्यूह का मान ऋणात्मक होता है और जिनके मानक इलेक्ट्रॉन व्यूह का मान ऋणात्मक होता है उन सभी धातुओं का कौन सा निष्कर्षण किया जा सकता है? वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण किया जा सकता है। तो अधिक इलेक्ट्रॉन व्यूह वाली धातु कौन कौन सी? हमारी ऊपरी पर जो धातु आती है जिनके मानक इलेक्ट्रॉन व्यूह का मान ऋणात्मक होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जो अधिक क्रियाशील धातु है जिनके इलेक्ट्रॉन व्यूह का मान ऋणात्मक होता है उन सभी धातुओं का हम निष्कर्षण वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 4 है वो लिखोगे निष्कर्षण होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाली धातु प्रबलतम अपचायक व अधिक क्रियाशील होती है। इन धातुओं का वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। किया जा सकता है जो कि निम्न है, और वो कौन कौन सी धातुएं हम लिख सकते हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, आदि। नोट कर लो इसे।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों के अंदर प्रयुक्त में लिए जाने वाले और ईंधनों के नाम बताइए। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त हम कौन कौन से ईंधन ईंधन सेल के अंदर यूज में ले सकते हैं, जैसे मैथेनॉल, एथेनॉल, मैथेन और स्वयं कौन हाइड्रोजन ये, और ऑक्सीजन भी ईंधन के रूप में क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त इसके लिए नाम पूछे तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एथेनॉल, मैथेनॉल, मैथेन, ऑक्सीजन आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले पदार्थों का नाम सुझाइए। तो हमने ईंधन सेल पढ़ा था और ईंधन सेल के अंदर हमने कौन कौन से पदार्थ देखे थे हाइड्रोजन को छोड़कर, तो उन पदार्थों के सीधे नाम लिख लोगे मैथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, मैथेन CH4 और ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त ईंधन सेलों में काम लिए जा सकने वाले ईंधन है। अगला क्वेश्चन, हमें कुछ धातुएं दी हुई हैं जिनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है और कौन सी धातु किसको प्रतिस्थापित कर सकती है हमें ये भी बताना है। तो हम यदि क्रियाशीलता का ऑर्डर सेट कर लेंगे तो प्रतिस्थापित धातुओं का क्रम भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसे नोट करने के बाद क्वेश्चन अगला लिखोगे। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो प्रतिस्थापित कर सके। और हमें धातु दी हुई है कौन कौन सी है, धातु है हमारी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और एक धातु और दी हुई है हमें जिंक। तो
हमने देखा था ऊपर आने वाली धातु नीचे आने वाली धातु को क्या कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है। तो हम इनको इनके क्रियाशीलता के ऑर्डर पर व्यवस्थित करें तो इनके लवण विलयनों का प्रतिस्थापन का क्रम भी क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो हमारी वृत्ति किले के बारात खाना मजे से आया, मंजन करके फेंक दे, निगाहें सुंदरी की क्या। अब देखो एल्युमिनियम कॉपर आयरन मैग्नीशियम और जिंक में सबसे पहले कौन आ रहा है, मैग्नीशियम आ रही है। तो मैं इसका आंसर क्रियाशीलता का क्रम लिख सकता हूं कि धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद में कौन आ रहा है, एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम के बाद में क्या लिख दूं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद में हमारे पास कौन है, यहां जिंक। एल्युमिनियम के बाद में क्या लिख दिया, जिंक। जिंक के बाद में कौन है, आयरन। और उसके बाद एक बचा है जो कौन आ जाएगा, कॉपर। तो ये किसका क्रम है, क्रियाशीलता का। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का उसके लवण विलयन से क्या कर सकती है, प्रतिस्थापन। अर्थात मैग्नीशियम किसका प्रतिस्थापन कर सकता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम किसका कर सकता है, जिंक का। जिंक किसका कर सकता है, आयरन का। और आयरन किसका कर सकता है, कॉपर का। ये हमारे क्रियाशीलता का या लवण विलयनों के प्रतिस्थापन का क्या हो जाएगा, क्रम। तो हम यहां नीचे लिख सकते हैं, अतः अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का उसके लवण विलयन से धातु का उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर सकती। ये कैसा हो, ये 6 क्वेश्चन हमारे अति लघुरात्मक क्वेश्चन के थे। इसके बाद हमारा लघुरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और लघुरात्मक का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निकाय Mg+2 Mg का मानक इलेक्ट्रोड वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, कि Mg+2 Mg का आपको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो इसका इलेक्ट्रोड वो किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने SHE पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी अर्थ सेल के सेल विभव का क्या कर सकते हैं, परिकलन कर सकते हैं, या संपूर्ण सेल का सेल विभव भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो Mg+2 Mg का भी आप सेल विभव किसके माध्यम से ज्ञात करोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से, अर्थात SHE के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि Mg+2 Mg इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हमें इसे एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, और संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हमने किसका यूज किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का यूज किया था। तो SHE के माध्यम से हम इस अर्ध सेल का सेल विभव या संपूर्ण सेल का सेल विभव क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे। अति लघुरात्मक का क्वेश्चन नंबर 2 जो न्यूमेरिकल है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में ही हाँ, आपको सूचित किया जाता है कि आज से हमारी क्लासें रेगुलर रहेगी ऑनलाइन, तो आप अपडेट रहे, चैनल पर नई वीडियो का ध्यान रखें और अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें। और इसी के साथ
कॉलेज की क्लासें भी हमारी ज्योतिबा फुले कॉलेज बांदीपुर के नाम से चैनल चल रहा है, जिसमें कॉलेज की क्लासें भी संचालित है और उसमें केमिस्ट्री की क्लास मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है। कुछ केमिस्ट्री की क्लासेस सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर की मेरे द्वारा अपलोड कर दी गई है। तो अपने साथियों को ये बात अवश्य जरूर बताएं कि कॉलेज की पढ़ाई भी नियमित रूप से चालू करें। नमस्कार।